जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा। सत्यभंजन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग सत्यभंजन यूट्यूब चैनल में प्रकाशित होने वाले एक वीडियो जो सत्यभंजन और पहली बाबा का बातचीत है उसका हम अनुवाद करेंगे। मालिका के बहुत सारे ग्रंथ में लिखा है युद्ध के अंत के समय बहुत सारे नकारात्मक संकेत दिखेंगे। 2018 में अमावस्या संक्रांति जो एक साथ पर आया था, तब 2019 के बाद हमने कोविड जो पैंडमिक के रूप में आया उसको हम देखे, जो 100 साल में एक बार आता है और बहुत सारे जीवन का भी हानि हुई थी। 2023 में भी बहुत सारे नकारात्मक संकेत देखने को मिलेंगे, जैसे कि संक्रांति और अमावस्या एक ही दिन में आएंगे जो हम जुलाई में देखे हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण भी बहुत सारे आने वाले हैं जो बार बार भी आएंगे इसके बाद से, और श्रावण जो 2 महीने का श्रावण वो भी 2023 में हम देखने को मिलेंगे। ये जो जल प्रलय हो रहे हैं, पहली बार बताते हैं कि इसके बाद जल प्रलय और ज़्यादा हो जाएगा। जितने जितने साल बीतते जाएंगे प्रलय भी उतना बड़े होते जाएंगे, एक एक रिकॉर्ड बनाता जाएगा। मालिका में लिखा है जो पुरातन गांव हैं, जो पुराने गांव हैं बस वही रहेंगे, और जो नए नए गांव बने हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि 7 गांव मिलके एक गांव होगा और उसमें बस एक और दो ही इंसान ही बचेंगे। अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को 4 भाग में विभाजित करें तो उसमें से 3 भाग खत्म हो जाएगा और एक भाग ही बचेगा। जैसे 700 करोड़ लोग अभी हैं, उसमें से 130 करोड़ लोग ही बचेंगे। तो जब भी अमावस्या संक्रांति एक साथ आते हैं तब कुछ ना कुछ आपदाएं आती हैं और या विपत्तियां आती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, सुनामी आती हैं, और महामारियां भी बहुत सारी आती है। तो जैसे 2018 में हम लोग का अमावस्या संक्रांति एक साथ आया था और 2019 में महामारी हुआ था, क्या इस बार भी वैसे कुछ होने वाला है? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है हमारे सामने। 64 योगिनियाँ हैं और सब आएंगे। कुछ आ गए हैं कोविड के समय पर, लेकिन पूरे 64 योगिनी ही आएंगे और एक एक महामारी का रूप में ही आएंगे उन लोग। 13 दिन का पक्ष भी आने वाला है जो मीन शनि योग में है, जो 28 मार्च 2025 को आने वाला है। तो बहुत सारे नकारात्मक संकेत आ रहे हैं और जो हो भी रहे हैं। भली बाबा बताते हैं, अगर 2 महीने का श्रावण आता है तो पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होता है। 2 महीने का श्रावण मतलब जल प्रलय, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखे हैं, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, रेड फोर्ट में भी 3 फुट का पानी घुस गया यमुना का, और ताजमहल के गेट के पास भी पहुंच गया यमुना का पानी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पहली बाबा आगे कहते हैं कि महापुरुष ने मालिका में लिखा है कि जब भी कोई युग खत्म होता है और समाप्त होता है तब कोई एक ऐसा मंत्री आता है जो उस युग को शासन करता है और उस युग को समाप्त करके नए युग का आरंभ करता है। जैसे कोई सहधारी मिनिस्टर जिसका नाम सह से शुरू होता है, जैसे सत्ययुग में शुक्राचार्य, त्रेता युग में सुख सरणा, द्वापर युग में संजय, तो कलयुग में वो कौन होगा? जो पृथ्वी को शासन करेगा, कलयुग को समाप्त करेगा और सत्ययुग को आरंभ करेगा। तो महापुरुष अच्युतानंद दास ने जो भी लिखा है मालिका में वो एक के बाद एक सच होता जा रहा है और आगे भी होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए सब भगवान का नाम लेके अपने जीवन को सार्थक करते हैं, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।